हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पोटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे, अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे? भाई रिप्लेसमेंट होना है, जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? करोगे तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे चुनाव आयोग। अरे भाई हम आपसे पूछ रहे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें इनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ वपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज चुनाव आयोग है, यहाँ पर सारे अफसर आए हुए उत्तर प्रदेश के, जितने भी कप्तान हैं, डीएम हैं इस वक्त सब। देखिए उससे होना क्या है, हो सकता है रणनीति बना रहे हो कि समाजवादियों का वोट कैसे रोकना है, क्या पता इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? बीएलओ पे। अरे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था आपको, आरओ को सस्पेंड करना चाहिए था। समाजवादियों ने जब आरोप लगाया था कि जानबूझ करके यादव हो, मुस्लिम हो, पीडीए हो, उसको बीएलओ नहीं बनाना है, क्या आपको नहीं पता बीएलओ वही बन रहे हैं जो ये नहीं है? ये कहां का कानून निर्देश था? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनेगा? और फिर जब हम लोगों ने आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हम लोगों को कि आप किस आधार पे कह रहे हैं डिलीटेड वोट हैं? 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई, वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे, इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे उनका गुणा कर दो, मां बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1,80,00,000 लोग बनते हैं, और 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का 1 लोकसभा में 3,00,000 वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी।